देखो बात यह है कि उसके पास सब कुछ है, नौकरी कर रहा है, वैभवशाली है, बहुत धन है उसके पास, लेकिन उस धन से आपके लड़की को सुख होने वाला है या नहीं है? जब वो हमारी पत्रिका में अच्छे होते हैं तब हम हमारी तरक्की दिन दोना रात चौगुना होती है और हम जमीन से उठ करके बिल्कुल आसमान पे पहुंच जाते हैं। कहते हैं अगर शनि ठीक नहीं है तो आप बाप दादा के बनाए हुए मकान में तो रह लेंगे लेकिन आप एक ईंट अपने कमाई की नहीं रख पाएंगे। आप संसार में रह के संसार से अलग होना बड़ा ही मुश्किल काम। तो वो कहते हैं कि हम पूजा पाठ करा करके दोष को खत्म कर देंगे या लड़के के कुंडली में दोष है तो कहते हैं छोटी सी पूजा कर दिया जाए तो इससे ये दोष खत्म हो जाएगा, तो क्या ये सही है कुछ विष्णु विवाह या ऐसा कुछ करके? किसी व्यक्ति को देखेगा तो स्कैन करेगा लड़की के प्रेजेंट पोजीशन से, उसके अगम्भीर परिणाम होंगे और होते ही हैं। बहुत सारे समृद्धशाली लोग ऐसे हैं। तो नौ ग्रहों का मिलान करना बहुत जरूरी है। अब शुक्र हो गया आपका, शनि को नहीं मिलान करेंगे आप तो फिर क्या होगा? हार्मोनल डिसऑर्डर होगा। नमस्कार, मैं हूं दीपक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया मंच जन जन की आवाज के अंतर्गत दिव्य ज्ञान कार्यक्रम। पिछले दिनों हमने वर और वधु यानी कि जब शादी करने के समय कुंडली का मिलान किया जाता है तो उसमें मंगल दोष को बहुत ज्यादा लोग ध्यान देते हैं। अगर कोई दोनों में से मंगली है तो वो कुंडली हटा देते हैं, या फिर मंगल दोष जिसके कुंडली में होता है तो लड़की भी मंगली होनी चाहिए और लड़का भी मंगली होना चाहिए। आइए आज हम कुछ और बातों पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर आपके सामने मौजूद हैं और मिलते हैं ज्योतिषाचार्य पंडित वरुण कुमार तिवारी जी से। प्रणाम पंडित जी। कल्याण करें प्रभु आपका। पंडित जी, पिछले दिनों आपसे बहुत अच्छी चर्चा हुई, मंगल ग्रह वैवाहिक जीवन को किस किस तरह से प्रभावित करता है जी। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि और भी क्या क्या जरूरी होता है कन्या और वर के कुंडली मिलान के समय, जो वैवाहिक जीवन को लेकर के जो शादी ब्याह तय होने के समय जो मिलान किया जाता है कुंडली में, और क्या क्या चीज़ें बहुत आवश्यक होती है जी। आपका प्रश्न बहुत ही सार्वभौमिक है, तो सबसे पहले हम अपने दर्शकों को ये बता दें, मंगल तो देखा ही जाता है, बहुत ही पॉपुलर है और मंगल के बारे में ज़्यादातर लोग जानते भी हैं। इसके बाद जो हम पत्रिका मिलान कराते हैं, साधारणतया पंडित लोग जो मिलान करते हैं उसमें चंद्रमा का मिलान किया जाता है, चंद्रमा का मिलान करते हैं, बाकी ग्रह छूट जाते हैं, उनका मिलान होता ही नहीं है क्योंकि उनके मिलान और गुगागणित के लिए जो है एक उत्कृष्ट ज्योतिषी की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे बहुत सारी त्रुटियाँ होने की संभावना रहती है और हो भी जाती है, जिससे दाम्पत्य जीवन में तमाम समस्याएं आ जाती हैं बाद में। तो चंद्रमा मन का कारक है, मन मिला लिया कि मन मैच कर रहा है, मिल रहा है, लेकिन सूर्य का मैच नहीं कराया आपने तो सूर्य आत्मा का कारक है, आत्मा नहीं मिल रही, मन मिल रहा है लेकिन आत्मा नहीं मिल रही है। हाँ, अगर आत्मा नहीं मिलेगी तो भी एक समस्या बड़ी पैदा हो सकती है, तो कैसे दाम्पत्य जीवन सुखी होगा? फिर मंगल को आपने जाना है, ऊर्जा है, ऊर्जा मैच नहीं कर रही है तो समस्या है। उसके बाद में शुक्र है, शुक्र संतानोत्पत्ति के लिए बहुत ही खास है और शुक्र विलासिता का कारक माना जाता है, शुक्र 12वें घर सैया सुख का कारक है, शुक्र वैभव का कारक है। शुक्र को हम स्कैनर कहते हैं, जिसका शुक्र बलि होगा वह व्यक्ति एक स्कैनर की भांति देखेगा और उस चीज़ को स्कैन कर लेगा, किसी व्यक्ति को देखेगा वो स्कैन कर लेगा। शुक्र और भी तमाम चीज़ें हैं जिनका कारक है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया टेलीविज़न कलाकार आर्टिस्ट जो होते हैं बड़े बड़े। ये हम आपसे बात कहना भी चाह रहे थे क्योंकि शुक्र ग्रह के बारे में मैंने भी सुना है कि अगर शुक्र प्रबल हो तो आदमी दिन दूना रात चौगुना तरक्की करता है। तो शुक्र स्कैनर है, शुक्र वैभव का कारक है, शुक्र अगर बली है पत्रिका में तो व्यक्ति छोटा नहीं सोचेगा, अन्य छोटा करेगा, उसे सस्ती चीज़ें पसंद नहीं होंगी, वो हमेशा एक ऐश्वर्यवान जीवन जिएगा, ब्रांडेड वस्तुओं को पसंद करेगा, कीमती महंगी जीवन शैली होगी उसकी, उसकी सोच ऊंची होगी, छोटा नहीं सोचेगा कभी। तो इसलिए शुक्र का बलि होना बहुत जरूरी है। अब पत्रिका में देखा गया स्त्री की यानी लड़की की पत्रिका में शुक्र छठवें है,
तो आपको सचेत हो जाने की जरूरत है, क्योंकि शुक्र का छठवें जाना ये बताता है कि आपके आपका जो पति है उसके शुक्र का अगर मिलान नहीं कराया गया तो उसका स्वास्थ्य ठीक रहने वाला नहीं है। स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव, हाँ, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा और संतानोत्पत्ति में समस्या उत्पन्न होगी। ये तो एक बड़ी समस्या हो सकती है अगर संतान नहीं हो, वैवाहिक जीवन में बाद में अगर संतानोत्पत्ति नहीं होती है जी, तो एक बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। जी 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 जी, तो उसका शुक्र कारक होता है, गुरु पुत्र का कारक होता है। तो गुरु को जो है स्त्री की कुंडली में गुरु को पति का कारक बोला गया है और जो है पुरुष की कुंडली में शुक्र को पत्नी का कारक बोला गया है। लेकिन शुक्र जो है, शुक्र इधर स्त्रीत्व का और उधर पुरुषत्व का दोनों का कारक है। चंद्रमा भी मेन रोल अदा करता है इसमें जी, लेकिन शुक्र उसमें महत्वपूर्ण हो जाता है। अब तमाम चीज़ें हैं जो एक साथ देखी जाती हैं। सूर्य को भी बताया, सूर्य आरोग्य का कारक है, प्रत्यक्ष जीवन का कारक है, ग्रहों का राजा है। तो सूर्य मैच नहीं करेगा तो जुझारू पर नहीं आएगा, आत्मबल गिर जाएगा आपका, आप एक पॉइंट पर जा कर के ह्रासमेंट आ जाएगा आपके अंदर, आप एक अपने आप को क्या कह लें कि आत्मबल खत्म हो जाना, एनर्जी, हाँ, एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगी, हाँ, और आपके अंदर जो लड़ने की क्षमता है, जूझने की पावर है, वो समाप्त हो जाएगी और आप बैक हो जाएंगे वहां से। आत्मविश्वास मान लें कि कम हो जाएगा, आत्मबल डाउन हो जाएगा। हाँ, वही। तो शुक्र सूर्य जो है हड्डी के ढांचे का कारक है। तो क्या है कि कई बार सूर्य के नीच होने से या गड़बड़ होने से आर्थराइटिस की समस्या आ जाती है और हड्डियों के अंदर पेन होने लगता है, जहाँ बोन मैरो होता है, अस्थि मज्जा होता है जी जी, तो वहाँ पेन होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब पता चला कि हमने सही से पत्रिका मिलान नहीं करी, अब जो है अपने लड़की की के वर के तलाश में हम निकले हैं, लेकिन हम जल्दीबाजी में, अब लोग मिलान क्या करते हैं, धन का मिलान करते हैं। कितना धन है, देखो धन एक साधन हो सकता है लेकिन साध्य नहीं है। साधन का अर्थ यह है कि धन पर, जैसे समझ लीजिए एक रिक्शा है, तो उस पर बैठ करके आप मैखाने भी जा सकते हो और मंदिर भी जा सकते हो जी जी, मतलब वो आपको दुख की तरफ भी ले जा सकता है और सुख की तरफ भी ले जा सकता है, वस्तुतः महत्वपूर्ण चलाने वाला होता है। तो अगर ज्ञान विज्ञान की कमी है या प्लेनेट कमजोर है तो सर्वथा धन आपको कष्ट ही देगा, पीड़ित ही करेगा। यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा और शायद ये सभी के लिए बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग जब अपने बेटी की शादी करने के लिए निकलते हैं तो वहाँ देखते हैं कि बड़ा सा मकान होना चाहिए, प्रायोरिटी कितनी है और नौकरी कैसी है, बड़ी नौकरी दे करके शादी कर लेते हैं। लेकिन आपके कहने के हिसाब से जो मैं समझ रहा हूँ कि इन चीज़ों का अगर मिलान करिए तो अगर बच्चा योग्य है, लड़का योग्य है, प्रतिभाशाली है, वेल एजुकेटेड है, संस्कार है और उस कुंडली में अगर ऐसा कुछ दिख जाता है तो निश्चित रूप से वो दिन दूना रह चुकना तरक्की कर सकता है। जी जी, देखो बात यह है कि उसके पास सब कुछ है, नौकरी कर रहा है, वैभवशाली है, बहुत धन है उसके पास, लेकिन उस धन से आपके लड़की को सुख होने वाला है या नहीं है, ये महत्वपूर्ण है जी। अगर आपके आपकी बच्ची को, आपकी लाडली बिटिया को उससे सुख होने वाला नहीं है तो धन आपके किस काम का जी, वही कहना चाहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, पत्रिका मिलान से ये देखा जाता है कि जो है उसके पति से उसे सुख कितना है। अगर उससे उसके पति से उसे कोई सुख नहीं हो रहा है तो वो पति बहुत वैभवशाली है, तो उस वैभव को आप लेकर के क्या करेंगे हमें बताएं जी, बिल्कुल वो आपके तो किसी काम की वस्तु नहीं है ना। तो यहाँ पे पत्रिका देख करके ये चीज़, बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, समाज में अक्सर होता है कि हम धन वैभव दौलत सबसे पहले देखते हैं और उसके बाद में कहते हैं ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत बड़ा घर है और इतना बड़ा व्यापार है, बहुत अच्छा है, चलो कर लड़की की शादी तय करते हैं। और हमें लगता है कि हम बहुत, हर आदमी सोचता है कि हमारी बिटिया हमसे बड़े घर में जाए जी, तो हम वहाँ भेजते हैं। लेकिन अब हमने वहाँ उसे भेज दिया, अब वहाँ का एटमॉस्फेयर उसे सरवाइव कर रहा है, ये चीज़ महत्वपूर्ण होती है ना जी, बिल्कुल सही। तो अब इस चीज़ को, या जो जो प्लेनेट पोजीशन वो जो है उसके लड़के के अंदर है, वो रिएक्ट तो नहीं कर रही है बुरी तरीके से लड़की के प्लेनेट पोजीशन से, उसके गंभीर परिणाम होंगे और होते ही हैं। बहुत सारे समृद्धशाली लोग ऐसे हैं कि सफलता के चरम पर पहुँच कर उनको, उन्होंने आत्महत्याएँ कर ली जी। तो बहुत सारी ऐसे उदाहरण आपके सामने हैं, जो साल भर लड़की का रहना मुश्किल हो गया,
ससुराल में। तो तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो हम प्रतिदिन प्रतिक्षण देख रहे हैं। तो नौ ग्रहों का मिलान करना बहुत ज़रूरी है। अब शुक्र हो गया आपका, शनि को नहीं मिलान करेंगे आप तो फिर क्या होगा? हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाएगा। शनि दुख का कारक है जी जी। अगर कड़ाष्टक हो रहा है, 6-8 का संबंध बन रहा है दोनों के शनि में, या किसी भी ग्रह में द्वादश 6-8 का संबंध बन रहा है तो परस्पर विपरीत हो गए। शनि की आपने बात करी है तो शनि के बारे में सभी लोग जानते हैं कि जिसका शनि का ढैया चल रहा है, 7.5 चल रहा है, तो इस तरह के ग्रह ये बहुत परेशान करने वाले, जो ऐसा कि मुझे लगता है कि शनि बहुत ज़्यादा परेशान करता है, ऐसा भी है क्या कि? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसी भ्रांति बनी हुई है। देखो कहते हैं कि जो हमारे मेलिफिक प्लेनेट हैं, जो पापी ग्रह हैं, वो अगर शुभ हो जाए तभी हम बड़े आदमी बन पाते हैं। जब वो हमारी पत्रिका में अच्छे होते हैं तब हम, हमारी तरक्की दिन दोना रात चौगुना होती है और हम जमीन से उठ करके बिल्कुल आसमान पे पहुंच जाते हैं। तो ये चीज़ें, उसमें राहु केतु और शनि का विशेष रोल होता है। जब यही ग्रह बेशुमार दौलत देने के लिए जाने जाते हैं और बेशुमार सुख और समृद्धि। कहते हैं अगर शनि ठीक नहीं है तो आप बाप दादा के बनाए हुए मकान में तो रह लेंगे लेकिन आप एक ईंट अपने कमाई की नहीं रख पाएंगे। ये सर्वथा सत्य है और ये सत्य है और सत्य ही है। पैतृक संपत्ति पर चाहे जितना ऐशो आराम कर लें लेकिन स्वयं से आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब राहु केतु, राहु को एम्पलीफायर बोलते हैं, जैसे हम जो माइक होता है ना, जी जी जी, धीरे से बोलते हैं और उसमें ज़्यादा स्पीकर दूर तक आवाज़ जाती, दूर तक आवाज़ चली जाती है, एम्पलीफाई हो जाती, कई गुना बढ़ जाती है आवाज़। तो राहु एम्पलीफायर, राहु जिस प्लैनेट के साथ बैठता है उसके गुण को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देता है, कई गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। और ये केंद्र में अच्छा होता है, केंद्र में त्रिकोण जी जी, इसको अच्छा माना गया। लेकिन खुद उस ग्रह के गुण को धारण कर लेता है, अपना गुण उसे दे देता है और उसका गुण स्वयं धारण कर लेता है। ऐसे केतु है, केतु मोक्षकारक ग्रह है। ये दो पॉइंट हैं जो चंद्रमा का जो पथ है जी और जो पृथ्वी का पथ है, उसको दो जगह पर, चंद्रमा का पथ पृथ्वी के पथ को काटता है, तो वो दोनों जगहों को जो है मिला करके ये राहु केतु है। राहु को सिर बोलते हैं, केतु को धड़ बोलते हैं। अच्छा, कहते हैं केतु अगर शुभ है तो बृहस्पति शुभ है, केतु और बृहस्पति दोनों शुभ है तो शनि शुभ है, केतु और बृहस्पति और शनि शुभ है तो बुध शुभ है, और केतु बृहस्पति शनि और बुध शुभ है तो शुक्र शुभ है, और केतु शनि बृहस्पति और बुध शुभ और शुभ है, शुक्र शुभ है तो राहु शुभ है। अर्थात सारे प्लेनेट शुभत्व को प्राप्त करते हैं। इसीलिए जब हम कोई धार्मिक कार्य करते हैं तो हम पताका लगाते हैं। केतु कट का कारक है तो पताके में एक कपड़ा काटते हैं तिकोना, तो धारदार हथियार बोलते हैं केतु को, तो उसको काटते हैं तिकोना, तिकोना काट करके पताका बनाते हैं और जितना ऊंचा हो सके उतना उसे लगाते हैं। तो केतु के बारे में आपको बता रहे थे, तो पताका से आप परिचित हैं जी। पूजा पाठ कोई भी कार्य जो है बिना पताका के नहीं होता है। तो केतु को कहते हैं, केतु अगर आपका बलि है तो आप धन दौलत से बहुत ज़्यादा मोह नहीं करेंगे, आपको संसार की वस्तुएँ आकर्षित नहीं कर पाएंगी, आप ईश्वर के प्रति आप पूरी तरीके से समर्पण का भाव रहेगा। और कहते हैं कि ईश्वर भी नतमस्तक हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति के सामने जिसका केतु प्रबल होता है। तो लगभग हमने, हाँ बुध छूट गया, बुध आपको नहीं पता, बुध बुद्धि का कारक है। अच्छा, बुध बुद्धि का, बुद्धि का कारक है। तो इसीलिए जो है राज ज्योतिषी, जब राजा के यहाँ संतान उत्पन्न होती थी तो सबसे पहले जब पत्रिका देखता था तो उसका बुध ही देखता था। अगर बुध बलि है तभी ये राजा बन पाएगा, नहीं तो इसके अंदर वो काबिलियत नहीं है। तो बुध सांसारिक बुद्धि को कहते हैं और शिक्षा दीक्षा को कहते हैं, गुरु को आध्यात्मिक बुद्धि बोलते हैं। ये दोनों अपोजिट प्लैनेट्स हैं। अब चूंकि ये जीवन यात्रा है, यहाँ संसार में आना है, संसार में आ करके संसार का भोग करना है, सांसारिक जीवन को जीना है, तो जीवन को जीना ही होगा जी, मजबूरी है जी, जीना है तो कोई विकल्प ही नहीं है, जिंदगी जीनी ही पड़ती है। मतलब अच्छे ढंग से जीनी है, संन्यास की दिशा में नहीं जाना है तो इन सारी चीज़ों का मिलान उस हिसाब से करना पड़ेगा। संन्यास की दिशा में जाने के बाद भी आपको संसार की जरूरत पड़ती है,
आप संसार में रह के संसार से अलग होना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो इसलिए बुध का अच्छा होना किसी भी कार्य में जो आप संसार में रह करके करते हैं उत्कृष्ट करने के लिए जरूरी होता है, तो बुध बहुत जरूरी है। तो एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, तो मेरे दिमाग में बात आ गई और शायद लोगों को जानना भी चाहिए इस तरह की बातें कि बहुत सारे लोग इस तरह से भी मैंने देखा है समाज में हैं, पंडित जी लोग कहते हैं कि अगर मंगल दोष मान लिया लड़की की कुंडली में है तो वो कहते हैं कि हम पूजा पाठ करा करके दोष को ख़त्म कर देंगे, या लड़के के कुंडली में दोष है तो कहते हैं ये छोटी सी पूजा कर दिया जाए तो इससे ये दोष खत्म हो जाएगा। तो क्या ये सही है कुछ विष्णु विवाह या ऐसा कुछ करके? घट विवाह और या वृक्ष, या पीपल के वृक्ष से, वट के वृक्ष से जो है विवाह करने का ये विधान है। अच्छा, तो उसे दोष खत्म हो जाता है? हाँ, सेकेंड मैरिज के रूप में दूसरी शादी होती है। अच्छा, तो उससे जो है दोष कम हो जाता है। ख़त्म तो जब रेडिकल में है तो हम ऐसा, हम विशेष तौर से ऐसा नहीं मानते हैं कि एकदम ख़त्म हो जाएगा, प्रभाव तो दिखाएगा वो। उसके लिए आपको अनवरत जो है संध्या वंदन करना पड़ेगा, जिसे हम सभी के लाइफ में हमारे वेदों में बताया गया सुबह और शाम दोनों टाइम, और दोपहर में भी जो है संध्या वंदन बताया गया है करना चाहिए। तो अगर हम तीन वक्त ना कर पाएँ तो कम से कम 24 घंटे में एक बार हमें जो है संध्या वंदन करना चाहिए, अगर ग्रह स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है तो। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि ये पूजा पाठ करा करके, लेकिन आपने बताया कि इसे दोष आप नहीं मानते हैं कि पूर्णतया ख़त्म हो जाएगा, बल्कि आपका कहना यह है कि सुबह शाम तीन बार करना चाहिए, पर सुबह शाम मतलब संध्या वंदन और प्रातः वंदन पूजा पाठ करने से ही इसका दोष संध्या बैलेंस करेगा। प्रातः और शाम दोनों को ही संध्या वंदन ही कहते हैं। अच्छा, प्रातः को भी संध्या वंदन ही हम कहेंगे। चलिए, तो पूजा पाठ करना फिर ज़रूरी हो जाता है। तो इस जगह पर मैं इतना ज़रूर लोगों को बताना चाहूँगा कि पंडित जी जैसा कि बता रहे हैं उसके मुताबिक अगर कुंडली में दोष है, वर या वधु किसी की भी कुंडली में दोष होने पर पीपल वृक्ष या वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ से विवाह कराने के पश्चात ये दोष कम हो जाता है, लेकिन पूर्णतया समाप्त नहीं होता है। इसके लिए संध्या वंदन प्रतिदिन करना आवश्यक हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप दिव्य ज्ञान जो कार्यक्रम देख रहे हैं, आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं ज्योतिषाचार्य वरुण कुमार तिवारी जी ने, और इसी तरह से आप लोग सुनते रहें, बहुत अच्छी अच्छी बातों को लेकर के हम आपके बीच में आते रहेंगे। अगली बार जब हम आपसे मिलेंगे कुछ और बातों को लेकर के, और इन्हीं शब्दों के साथ सोशल मीडिया मंच जन जन की आवाज़ आप सभी लोग देख रहे हैं, मैं इतना ज़रूर चाहूँगा कि आप सभी लोग सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, अधिक से अधिक अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप तक हम पहुँचाने के लिए उपस्थित होंगे। मैं दीपक श्रीवास्तव इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।